नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गज़ल है। मैं लैक्टेशन कंसल्टेंट हूँ सह्याद्री हॉस्पिटल्स में। ये वीडियो पंपिंग की जानकारी देने के लिए बनाई गई है। सो आइए जानते हैं कि ब्रेस्ट पंपिंग कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किन लोगों ने करना चाहिए और एक्स्ट्रा मिल्क का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। हम वीडियो के अंत में पंपिंग करने का सही तरीका भी समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट, पंपिंग कब करना चाहिए। जब भी आपको ब्रेस्ट में हैवीनेस लगे, जब आपको ऐसे लगे कि आपके ब्रेस्ट सही तरीके से ड्रेन नहीं हुए हैं, या आपको ऐसे लगे कि ब्रेस्ट बहुत ही ज़्यादा हैवी हो रहे हैं या लीक हो रहे हैं, आपको ब्रेस्ट में पेन हो जाना, ऐसी कोई दिक्कत या परेशानी हो, तो आपको हॉट मॉइस्ट फर्मेंटेशन करके हल्के हाथ से ब्रेस्ट मसाज करके पंपिंग करना चाहिए। पंपिंग की प्रक्रिया बिल्कुल ही पेनलेस होती है। ये आपका एक्स्ट्रा मिल्क निकालने में तो आपको मदद करती ही है, लेकिन कई बारी मदर्स को प्रॉब्लम होती है कि सही से ब्रेस्ट मिल्क ड्रेन नहीं हो रहा है या मिल्क कम है, तो पंपिंग करने से आप ब्रेस्ट को एक्स्ट्रा स्टिमुलेट कर सकते हैं, जिस वजह से आपको सही एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिल्क सप्लाई होने में मदद होती है। थर्डली, पंपिंग सिर्फ स्तन भारी होने पर या बहुत ही ज़्यादा दूध की गठान होने पर नहीं करना चाहिए। आप पंपिंग एक रेगुलर प्रैक्टिस की तरीके से भी कर सकते हैं। जब आपका बेबी प्रॉपरली ब्रेस्ट फीडिंग कर लेता है और आपको ऐसे लगता है कि आपके ब्रेस्ट में अभी भी मिल्क है, तो आप तुरंत ही उसको पंप आउट कर सकते हैं। कई बारी बेबी NICU में एडमिट रहता है, उस वजह से मदर डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाती। इस समय पे पंपिंग एक बहुत ही एसेंशियल स्टेप है सही तरीके से लैक्टेशन को एस्टैब्लिश्ड रखने का और मिल्क सप्लाई को एक ऑनगोइंग प्रोसेस करने के लिए। थर्डली, यदि आपको रिपीटेडली ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट होता है, बहुत ज़्यादा मिल्क इकट्ठा होता है ब्रेस्ट में, या ब्रेस्ट हैवी होने के कारण फीवर या ब्रेस्ट में कठिनाई हो जाती है, तो पंपिंग एक बहुत सही तरीका है कि पेनलेसली इस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। लास्टली, पंपिंग किन माताओं ने करनी चाहिए। पंपिंग हर कोई मदर जो लैक्टेशन कर रही है, उन्होंने एक प्रैक्टिस के तौर पे करनी चाहिए। आप पंप्ड मिल्क एक्सट्रैक्ट करके स्टोर कर सकते हैं आपके बेबी के लिए। जब आपका कोई रेस्टिंग फेज होगा, उस समय पे आप एक्सट्रैक्ट किया हुआ मिल्क सही तरीके से स्टोर करके चम्मच वाटी से भी बेबी को पिला सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि आपके पास और एक्स्ट्रा मिल्क है, तो आप नीडी ह्यूमन मिल्क बैंक्स को ये मिल्क डोनेट कर सकते हैं। पंप करने का सही टाइमिंग या सही समय क्या होता है। सबसे पहले पंप ब्रेस्ट फीडिंग के बाद करना चाहिए, क्योंकि उस समय पे आपको एक सही अंदाज़ा हो जाता है कि ब्रेस्ट में मिल्क कितना स्टोर्ड है, और आपको 2 घंटे का स्पैन भी मिलता है नेक्स्ट फीडिंग से पहले कि आप और भी रिफिल मिल्क को कर सकें। सेकेंडली, जब भी आपको अनकंफर्टेबल लगे, जैसे कि ब्रेस्ट लीक हो जाना, ब्रेस्ट बहुत ही हैवी हो जाना, या थोड़ा सा फीवरिश जैसा फील होना ब्रेस्ट के हैवी होने के कारण, ब्रेस्ट में गठाने हो जाना, ऐसे सही समय पे पंपिंग करना चाहिए। सही ड्यूरेशन पंपिंग का कम से कम 20 से 25 मिनट तक है, यानी कि 5 या 10 मिनट में आपका ब्रेस्ट रिलीव हो जाता है पेन से, लेकिन अगर आप 20-25 मिनट तक अच्छे से पंपिंग करते हो, तो आपको प्रॉपर रिलीविंग मिलेगा, और ये प्रक्रिया करने से आपको आगे जाके भी ब्रेस्ट मिल्क का एक प्रॉपर सिक्रीशन मेंटेन होने में मदद भी होगी। ब्रेस्ट मिल्क का सही रेगुलेशन करने के लिए पंपिंग एक बहुत ही अच्छा उपाय है। आइए इस टेक्निक को सही तरीके से समझते हैं। मिल्क एक्सप्रेशन यूजुअली 2 तरीके के होते हैं, एक मैनुअल एक्सप्रेशन जो आप हाथ से करते हो, और दूसरा पंप के इस्तेमाल से। तो यहाँ पे हमने एक मैनुअल पंप का यूज़ कर रहे हैं। ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है पंप का फ्लैंज, एक होता है पंप का हैंडल, द कलेक्शन कंटेनर, और बीच की सॉकेट में होता है द सक्शन मशीन। सो बेसिकली आप जब भी यूज़ कर रहे हो, आपको ध्यान रखना है कि आपका ब्रेस्ट यहाँ इस रिम पे, फ्लैंज की जो रिम है, वहाँ पे इसको फिट करें।
आपको ध्यान सेकेंड स्टेप में ये रखना है कि आप जब पंप कर रहे हो तो निप्पल जो है आपका ये वॉल्स जो अंदर के जो सिलेंड्रिकल वॉल है वहाँ पे रब नहीं होना चाहिए। यदि आपका निप्पल आपके फ्लैंज को कंटिन्यूसली रब कर रहा है तो फ्रिक्शन के कारण आपको सोर निप्पल्स की दिक्कत हो सकती है, इसीलिए सही साइज ऑफ फ्लैंज चूज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप शुरू करोगे पंपिंग तो आपका ब्रेस्ट इस पार्ट में फिट होगा एंड जो ब्लैक पोर्शन है ऑन द इनर साइड ऑफ फ्लैंज फिट होगा एंड निप्पल एग्जैक्टली बीच में रहेगा। इस तरीके से आपको प्रॉपरली फिट करने के बाद धीरे धीरे हैंडल को यूज़ करना है। हैंडल को इस तरीके से यूज़ कीजिए कि शुरुआत में आप हाफ ही करें और फिर उसके बाद पूरी तरीके से सक्शन को इम्प्रूव करें आपके पेन थ्रेशोल्ड के हिसाब से। आप जो भी मिल्क पंप कर रहे हो वो नीचे के कंटेनर में कलेक्ट होगा। जो मिल्क कलेक्ट होगा आप इसको स्टराइल स्टील या ग्लास कंटेनर में कलेक्ट करें। जो मिल्क आप स्टोर कर रहे हो दिए गए गाइडलाइंस के अनुसार उसे स्टोर करें और अपने बेबी के लिए सही समय पे उसे इस्तेमाल करें। पंपिंग के बारे में और जानकारी पाने के लिए या पंपिंग में आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो प्लीज़ लैक्टेशन कंसल्टेंट की सलाह ज़रूर लें और आपके कमेंट्स हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हेल्प के लिए हमें हमारे नंबर्स पर ज़रूर कॉल करें। थैंक यू।